खबर रायपुर से है, जहां पर किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए कर्ज जाने के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का बयान सामने आया है। जोगी ने कहा है कि सरकार के कमजोर कुप्रबंधन के कारण प्रदेश आज यहां खड़ा है। आपको बता दें कि ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, विभागों से पैसा वापस लिया गया है। सरकार हजारों करोड़ों का लोन ले आपत्ति नहीं, लेकिन विकास कार्य पर ध्यान दे, ये जरूरी है। के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में स्टैंड स्टिल हो गया है, विकास कार्य ठप्प हो गए हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, बहुत सा आवंटन जो इन्होंने विभागों को किया था वो वापस ले लिया है, सिंचाई की योजना, सड़क की योजना, ये सब रुक गई हैं। तो ये कुप्रबंधन नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से हजारों करोड़ का और लोन ले तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, पर उसे विकास कार्यों में लगाना।